हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी माय सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख रहे हैं अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरक्शन हम देख रहे हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पोलन पिस्टल इंटरक्शन अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अबाउट दी उटब्रीडिंग डिवाइस अबाउटी थी राइट right? की जो प्लांट होते हैं है, है ताकि वो सेल्फ कम्पैटेबल या सेल्फ इनकम्पैटेबल रहे सेल्फ कंपेटेबल का मतलब होता है कि खुद के ही फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन क्या उसग्मा को फर्टिलाइज कर सकते हैं क्या उस पर जर्मिनेट हो सकते हैं अगर हो सकते हैं तो वो सेल्फ कंपैटिबल है और अगर नहीं हो सकते तो वो सेल्फ इनकंपैटिबल है राइट right? सो so, यहाँ पे बात आ जाती है अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की देखो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा अबाउट द पोलिनेशन व्हाट इज द पोलिनेशन डिस्पर्सल ऑफ दी पोलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टुवर्ड्स दी स्टिग्मा ऑफ दी पिस्टल राइट बट यहां पे ही पोलिनेशन हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाएगा ऐसे जरूरी नहीं है क्योंकि हर बार पोलिनेशन करेक्ट टाइप के ही पोलन ग्रेन को उस फ्लावर के स्टिग्मा पर लेके जाए जरूरी नहीं जैसे कि मान लो यहां पर ये जो फ्लावर है ये है कुकुम्बर का फ्लावर मान लेते हैं कि ये कुकुम्बर का फ्लावर है ओके और यहां पर ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो प्रेजेंट है ये है पपाया की फ्लार की ये किसकी है मान लो ये पपाया के फ्लार की है सो so, ये मेल फ्लार हो गया कुकुम्बर का और ये फीमेल फ्लॉर हो गया पपाया का राइट right? अब पॉलिनेशन कैसे होना है एदर बाय अ बायोटिक फैक्टर या फिर बायोटिक फैक्टर मतलब हवा से या फिर बायोटिक जैसे कि बर्ड्स इंसेक्ट्स हेमिंग बर्ड वगैरह वगैरह इनसे जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैवल करके यहाँ पे लैंड हो गए राइट right? किस पे लैंड हो गए स्टिग्मा पे ऑफ दी पपाया फ्लावर अब क्या बात हुई पोलन ग्रेन किसके है कुकुम्बर के और लैंड कौन से स्टिग्मा पे हुए पपाया के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या नहीं बिकॉज ये स्पीशीज अलग अलग है यस यू हर्ड इट राइट हमेशा पॉलिनेशन सिक्वेंस से ही हो जरूरी नहीं क्योंकि बर्ड्स है इंसेक्ट्स है हवा है उनको थोड़ी ना पता है कि पहले पपाया के फ्लावर पे बैठे तो अब भी पपाया के फ्लावर पे बैठना पड़ेगा ऐसे हो सकता है ना कि वो रैंडमली किसी भी फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करें जहाँ उनका मन हो जो उन्हें अच्छा लगे तो पिस्टल जो होती है उसका जो स्टिग्मा होता है इसका ये काम है रिकॉग्नाइज करना कि जो पोलन ग्रेन सरफेस पर आया है वो मेरे ही स्पीशीज का है क्या राइट right? किसका काम होता है ये स्टिग्मा का और हम स्टिग्मा किसे कहते हैं प्लेटफॉर्म जहां पे पोलन ग्रेन लैंड कर सकता है मतलब पिस्टल का सब में पहला ऑर्गन वो होता है जो इंटरैक्ट कर रहा है पोलन ग्रेन से वो है स्टिग्मा कौन है स्टिग्मा स्टिग्मा इज द वेरी फर्स्ट ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ द पिस्टल व्हिच इज इंटरैक्टिंग विद द पोलन ग्रेन्स अब होगा क्या इस इवेंट में होता क्या है अब यहाँ पे ध्यान रखो पिस्टल के पास जो स्टिग्मा है उसके बीच में और पोलन ग्रेन के बीच में डायलॉग्स के लेनदेन होते हैं यस दे कन्वर्सेट दे कन्वर्सेशन अकर्स इन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा बट हाउ वाया केमिकल सिग्नलिंग राइट तो केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा होती है उसके बीच में कन्वर्सेशन चलता है कैसे कन्वर्सेशन चलता है दे अंडरस्टैंड वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ द सेम स्पीशीज और नॉट ठीक है कंपेटेबल है या नहीं है ये चीजें चेक की जाती है इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं विद दिस डायग्राम यहाँ पर पोलन ग्रेन आके अटैच हो गया राइट right, अब यहाँ पे कुछ सेवरल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन हमने देखे जैसे S3 है S4 अह uh, देन S1 एंड S2 मान लेते हैं कि इसका जो पोलन ग्रेन है वो सिर्फ S3 एंड S4 है यानी S1 एंड S2 के साथ वो कंपेटिबल नहीं है कैसी नहीं है कंपेटिबल नहीं है अब यहाँ पे होगा क्या जब ये पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं ये दोनों भी कंपैटिबल है सो so,

तो जो जम पोर होते हैं पोलन ग्रेन में रिमेंबर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसमें हमें छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं उसे हम पोर कहते हैं और यही पोर आगे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करते हैं याद आया सो so, ये जो जम पोर होते हैं इसके थ्रू क्या होने वाला है वन ऑफ द पोर विल गेट कन्वर्टेड इंटू द पोलन ट्यूब और फिर आगे की प्रोसीजर होगी वो प्रोसीजर क्या है हम देखेंगे बट आगे की प्रोसीजर होगी बट अगर वो पोलन ग्रेन इनकम्पेटिबल निकला मतलब एक तो वो सेम स्पीशीज का नहीं है या फिर ऐसे फ्लावर है जो सेल्फ इनकम्पेटिबल है मतलब खुद के ही पोलन ग्रेन को वो जर्मिनेट नहीं होने दे सकती ये आउटब्रीडिंग में हमने सीखा है राइट right? तो खुद के ही पोलन ग्रेन को अगर वो जर्मिनेट नहीं होने दे सकती तो वहां पे जो केमिकल कॉन्वर्सेशन चलेगा जो डायलॉग्स चलेंगे इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग वहां पर दे वोंट अलाउ द जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन होने देंगे क्या नहीं अगर जर्मिनेशन नहीं होने दिया तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी और अगर पोलन ट्यूब फॉर्म ही नहीं हुआ तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं वो अंदर जा ही नहीं सकते एंड देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन तो ये ध्यान में रखिए इच पॉलिनेशन ब्रिंग्स द फर्टिलाइजेशन ऐसा जरूरी नहीं है करेक्ट

जनरेट करने के लिए क्या पोलन ट्यूब बट अगर इनकम है तो देर विल बी नो जनरेशन ऑफ पोलन ट्यूब विल बी नो जर्मिनेशन ऑफ द द पोलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा राइट सो दिस इज अबाउट द कंपेटेबिलिटी अब चलो मान लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन अटैच हुआ वो पोलन ग्रेन कैसा है कंपैटिबल है वही पोलन ग्रेन प्रॉपर है जिसे फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी देनी चाहिए राइट परमिशन देनी चाहिए तो ऐसे समय क्या इवेंट होता है इन पोलन पिस्टल इंटरक्शन यहाँ पे होगा क्या जैसे ही वो पोलन ग्रेन अटैच होता है स्टिग्मा के ऊपर केमिकल सिग्नलिंग होगी उस केमिकल सिग्नलिंग में ये कंफर्म हो गया कि हाँ पोलन को अभी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने देना चाहिए तो जर्मिनेशन अकर होगा ऑफ द पोलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा जर्मिनेशन होना मतलब क्या होना फ्रॉम वन ऑफ द जम्पोर वहां से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी ये पोलन ट्यूब सीधा ट्रेवल करती है टूवर्ड्स दीक है ओव्यूल के पास वो ट्रेवल करती है आपको अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा तो हमने देखा था ओव्यूल में फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है राइट क्या प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है एंड विथ दट फिली फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ ठीक क्या होगा मान लो कि वो करेक्ट पोलन ग्रेन है और वो करेक्ट पोलन ग्रेन ही अटैच हुआ तो पोलन 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 ट्यूब 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 फॉर्मेशन फॉर्मेशन होगा हो जाने के बाद में वो जनरेट होगा लाइक दिस फिलीफॉर्म ऑपरेटर से वो अंदर जाएगा माइक्रोपाइल रीजन से फिलीफॉर्म ऑपरेटर से वो अंदर जाएगा और जो सीनरग्रिड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर उसके साथ इंटरेक्शन करके डायरेक्ट किया जाएगा कि आगे कैसे जाना है ठीक है तो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को याद रखिए क्या करिए इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आप याद रखिए फिर से आते हैं कि क्या हुआ है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन अकर्ड ऑन वॉट ऑन स्टिग्मा ऑफ दी और द पिस्टल उसके बाद में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द जम्पोर ऑफ पोलन ग्रेन उस पोलन ट्यूब के अंदर से अब पोलन ग्रेन का सेल अंदर जाना स्टार्ट करेगा अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था पोलन ग्रेन एदर टू सेल्ड स्ट्रक्चर में डिस्पर्स होगा या फिर थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर में डिस्पर्स होता है टू सेल्ड स्ट्रक्चर में कौन से कौन से सेल थे बताइए एक जनरेटिव सेल एंड दूसरी यस यू कैन राइट इन इन कमेंट बॉक्स क्या है एक जनरेटिव सेल एंड दूसरी वेजिटेटिव सेल याद आया, so, generative और vegetative sale, ऐसे दो सेल के में में अगर वो है, है? तो क्या होता है? इस pollen से करते करते ही डिजन होगा और दो सेल बन जाएंगे ठीक है मतलब आप पोलन ग्रेन के पास कितनी सेल स्टेज होगी गई थ्री टू सेल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव वन फ्रॉमरेटिव ठीक है और अगर शेड होते वक्त ही

खुद को डिवाइड कर लेंगे जनरेटिव सेल विल गेट डिवाइडेड और दो सेल वो बन जाएंगी मतलब पहले से दो थी प्लस वन थ्री सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी ठीक है अब ये दो सेल क्यों बनती है ये आगे जाके क्या करेगी ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में डिटेल में सीखेंगे अभी बस आप हाँ इतना ध्यान दो कि पोलन पिस्टल इंटरक्शन में क्या हो रहा है स्टाइल से ट्रैवल करते वक्त थ्रू द पोलन ट्यूब अगर वो टू सेल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन है तो इट विल गेट डिवाइड कौन सा पार्ट उसका डिवाइड होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड होती है अंडरस्टूड तब ये पोलन के तो फॉर्मेशन होगा और ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम द फिलिप फिलिफॉर्म एपरेटस टूवर्ड्स द सिनर्गेट्स सिनर्गेट्स तक वो गया अब आगे के इवेंट हम देखते हैं कि अब आगे क्या होना है ओके okay? सो so, उसके लिए हम लेंगे इस इमेज को इधर और इसे सेंटर में अब यहां पर देखो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि ये पोलन ट्यूब अंदर जा रहा है फ्रॉम द फिलीफॉर्म ये फिलीफॉर्म एपरेटस है एपरेटस से वो जाता है के पास उसे असिस्ट करता है कि किधर जाना है क्योंकि जो एग है उस एग के पास उसे लेके जाना है और पोलर न्यूक्लिया के पास उसको लेके जाना है जो सेंटर्ड सेल्ड होती है उसके पास उसे लेके जाना है तो ये ट्रैवल करेगा ये ग्रो करेगा टूअर्ड्स द Egg. और ये किसके थ्रू हो रहा है सिनर के हो रहा है, है? है ठीक अब सिनर असिस्ट कर रही है पोलन पिस्टल इंटरक्शन क्या कहते हैं हम, है है हम इस पूरी प्रोसीजर को पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरक्शन अंडरस्टूड तो क्या क्या हो रहा है मेल गैमेट डिस्चार्ज हो रहा है इन टू दी पहले तो एंट्री हुई ट्यूब की सीनर गिट्स के अंदर अब जैसे ही ट्यूब यहाँ तक आ गया ट्यूब पूरा अंदर तक नहीं जाएगा ये ध्यान में रखिए सिनर गिट्स तक ही ट्यूब जाता है और उसके बाद में वो मेल गैमेट को अंदर डिस्पर्स कर देता है क्या करेगा वो मेल गैमेट को अंदर डिस्पर्स कर देता है डिस्पर्सल होने के बाद में दो मेल गैमेट जो प्रेजेंट है क्योंकि हमने बोला ना थ्री सेल स्ट्रक्चर हो गया तो जो दो मेल गैमेट उसमें प्रेजेंट होते हैं जो पोलन ट्यूब में डिवाइड हुए थे वो दो मेल गैमेट एग को फ्यूज करेगा एग को एक फ्यूज करेगा वन विल फ्यूज्ड विद द एग तो हो गया फर्टिलाइजेशन दूसरा फ्यूज्ड होता है विद द सेंट्रल सेल ठीक है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं याद है ना हमने देखा था यहां पे देखो ये एम्ब्रियोसैक के अंदर जो पोलार न्यूक्लिया दो पोलार न्यूक्लिया के साथ एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड होता है रिमेंबर तो वो उसके साथ फ्यूज करेगा उसका आगे क्या होना है ये हम डबल फर्टिलाइजेशन में डिटेल में सीखेंगे अभी हमें क्या पता करना है कि फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर जाता है सीनर गेट्स असिस्ट करेगा कि किधर पोलन ग्रेन को या मेल गैमेट को डिस्पर्स करना है और फिर मेल गैमेट विल गेट डिस्पर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैग ऑफ दैट ओव्यूल ठीक है और फिर आगे के इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन अकरूंगी तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में सब में डायनामिक प्रोसीजर क्या होती है रिकॉग्निशन ऑफ स्टिग्मा दैट द पोलन ग्रेन इज सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब क्या है कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है सेम स्पीशीज से आ रहा है या दूसरे स्पीशीज से आ रहा है योर गेटिंग दिस समझ में आया सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट द यस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बट जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने में बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है तो हम हमारे हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं मैन्यूपलेट कर सकते हैं आप लोगों को अगर पोलन ट्यूब को स्टडी करना है उसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप सिंपली पोलन ग्रेन्स ले सकते हो फ्रॉम हिबिस्कस और कुछ और प्लांट्स के एंथर को लो उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से स्क्वीज करो स्लाइड पे डालो और उसमें टेन परसेंट सुगर सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप डाल दो दस मिनट के बाद आप देखोगे तो आपको पोलन ट्यूब दिख जाएगी ठीक है क्योंकि शुगर इंड्यूसेज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन राइट अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट जो फार्मर्स होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं खास करके बोटनिस्ट जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप या प्लांट डेवलप करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई एक ये प्लांट है ए ये दूसरा प्लांट है बी और इनका कॉम्बिनेशन बने राइट right? ऐसे समय पर हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसे कहा जाता है इमेस्युकेशन एंड बैगिंग क्या कहते है? हैं इमेस्युकेशन एंड बैगिंग इमेस्युकेशन का सिंपली मतलब होता है रिमूविंग ऑफ द एंथर देखो अभी इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दिस क्लियरली कि ये जो एक सेकंड लेट मी डू दिस लाइक दिस ओके ये जो है इसके पास सब प्रेजेंट है क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास इसके पास प्रेजेंट है पेटल स्टिग्मा एंथर स्टेमन और कार्पल अब हमने क्या किया एंथर को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट सीजर तो जब हम सीजर के हेल्प से एंथर को निकाल देते मतलब पोलन ग्रेन्स को निकाल दिया अब उस फ्लावर के पास एंड्रोशियम का पार्ट नहीं बचा ठीक है क्योंकि हमने पोलन ग्रेन्स एंथर्स निकाल दिए उसके पास अब सिर्फ क्या बचा हुआ है उसके पास अब से बचा हुआ है फीमेल दैट इज गाइनोशियम वाला पार्ट दैट इज दी पिस्टल या फिर कार्पल्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी अब क्या करेंगे हम जैसे ही हमने ये एंथर को रिमूव कर दिया उसको हम बैग कर देंगे ठीक है बैगिंग कर ली जब वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई स्टिग्मा कैसे हो गई रिसेप्टिव हो गई मतलब वो रेडी हो गई टू और मैच्योर इनफ हो गई टू इंटरैक्ट विद द पोलन ग्रेन तब हम हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन को उसके ऊपर शेड ऑफ कर देंगे मैन्युअली ठीक है बट ये करने के पहले भी हमने बैग bag किया बैगिंग किया और शेड ऑफ करने के बाद भी हमने बैगिंग किया बैगिंग जनरली बटर पेपर से की जाती है क्योंकि वो स्टिग्मा को फ्री uh, रखती है और बैग जो है वो अप्रोप्रिएट साइज की लेनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द बर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर क्योंकि वो आगे जाके फ्रूट में भी क्या होनी है कवर होनी है समझ आए आपको क्या कर रहे हैं हम हम इमेस्क्यूएशन करते हैं इमेस्क्यूशन का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ दी पोलन ग्रेन और रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर। ऐसा क्यों ताकि वो पॉलिनेशन ना करे सेल्फ पॉलिनेशन ना करे और अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर है उसमें कोई एंथर या मेल गैमेट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो उस समय हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इज नो एंथर हमें सिर्फ और सिर्फ उसको बैक करके रखना पड़ता है और जब पोलन जब वो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करने की रिसेप्टिविटी ले लेती है गेन कर लेती है मैच्योर हो जाती है तब हम हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन को उसके ऊपर क्या कर देंगे स्प्रिंकल कर देंगे और फिर आगे की प्रोसीजर होगी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब रोल डाउन ऑफ द पोलन ग्रेन्स उसमें फिर अगर वो टू सेल्स स्टेज में है तो डिविजन होगा एंड द दिन फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स तक वो जाएंगे फिर सीनरगिड्स उसको असिस्ट करेगा और मेल गैमेट विल गेट डिस्पर्स इन टू सैक ऑफ द ओव्यूल ये प्रोसीजर हो जाएगी ये कब किया जाएगा अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है दो डिफरेंट क्रॉप्स में अगर हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है हमारा डिजायर्ड क्रॉप जनरेट करना है तो सच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन अंडरस्टूड वैशाली जो है वो टमाटो का इसी तरह से गेन so करने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर ट्राई करते रहते प्रैक्टिस करते रहते तो पोलन पिस्टल इंटरक्शन गिव देम नॉलेज टू मैन्युपलेट द फर्टिलाइजेशन इवेंट

सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल दैट इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन जब आए तो आप नोटिफाई हो सको उसी के साथ साथ बी हेल्दी, वेल्दी पीसफुल स्टडी वेल बी स्मार्ट हैव अ ग्रेट टाइम अहेड बाय बाय